गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक वर्क ऑफ एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक के सूक्ष्म जीव जैविकी में दिया गया योगदान और उनके द्वारा किए गए कार्य। सबसे पहले देखते हैं अपन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जेनर्स लाइफ, जेनर महोदय के जीवन का सामान्य परिचय कि कब पैदा हुए और क्या क्या उन्होंने किया। तो एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट हैं वो 17 मई 1749 में ब्रैकले ग्लोस्टरशायर इंग्लैंड में पैदा हुए और जनवरी 26, 1823 ब्रैकले में ही लंदन में उनका निधन हो गया। वो इंग्लिश फिजिशियन थे और सर्जन भी थे, डॉक्टर थे, पेशे से डॉक्टर थे, फिजिशियन और सर्जन वो दोनों थे। और उन्होंने जो मेन काम किया वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन की उन्होंने खोज की। और जेनर जब पैदा हुए थे तभी जो ब्रिटिश मेडिकल प्रैक्टिस है, ब्रिटिश इंग्लैंड में जो चिकित्सा की सेवा है उसकी जो प्रैक्टिस चल रही थी और जो एजुकेशन थी वो अलग टाइप की थी। उसमें इनके पैदा होने के बाद धीरे धीरे चेंज हुआ। इसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों से ट्रेंड जो फिजिशियन होते थे, फिजिशियन हो या सर्जन हो, वो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता था, बजाय इसके कि जो लोग प्रैक्टिस करते थे उनके पास डिग्री नहीं होती थी डॉक्टर की, लेकिन वो किसी दूसरे प्रैक्टिशनर के पास रह करके प्रैक्टिस करनी सीखता था, देख देख के सीखता था। उनके बजाय जो ट्रेंड ग्रेजुएट होते थे, मेडिकल ग्रेजुएट होते थे, उनको नॉलेज कम होती थी, इस तरह की वहाँ पर पढ़ाई हो रही थी। लेकिन इन्होंने जब पढ़ाई करी, ये जेनर महोदय हैं, और इन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि इन्होंने पढ़ाई करने के बाद इसकी और कहीं पे किसी प्रैक्टिशनर के साथ रह के प्रैक्टिस की, सीखा उनसे डॉक्टरी। और ये जो पैदा हुए थे जेनर इंग्लैंड में, वो एक पादरी के घर पे पैदा हुए थे। इनके फादर थे वो एक पादरी थे, और जब इनके फादर की, जब ये लगभग 5 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई, फिर इसके बड़े भाई ने इनको पाला जो खुद भी एक पादरी का काम कर रहे थे। और लेकिन इनकी एक नेचर में बहुत इनको इंटरेस्ट था, प्रकृति के बारे में ये प्रकृति से बहुत प्यार करते थे और अपनी लाइफ में ये प्रकृति के बहुत नज़दीक रहे। सबसे पहले इन्होंने ग्रामर स्कूल से पढ़ाई करी, उसके बाद इन्होंने किसी सर्जन के यहाँ पर प्रैक्टिस, 13 साल के जब ये हो गए उसके बाद इन्होंने एक कोई सर्जन के साथ रह करके 7-8 साल तक लगभग इन्होंने मेडिकल का और सर्जिकल जो प्रैक्टिस है उसका नॉलेज इन्होंने लिया। और वो लेने के बाद 21 साल के बाद जब ये 21 साल के हो गए तो लंदन गए, और लंदन में ये जॉन हंटर जो एक हॉस्पिटल में, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में प्रैक्टिशनर थे और डॉक्टर थे, उनके साथ ये रहे, उनके ये संपर्क में आए जो उस हॉस्पिटल के बहुत अच्छे सर्जन होते थे जॉन हंटर। उनकी वजह से इनको बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि वो इनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। और उनका इंटरेस्ट था जो एक्सपेरिमेंट करने में, उनका इंटरेस्ट था एक्सपेरिमेंट कर करके वो सीखते थे, और बहुत अच्छे एंटोमोलॉजिस्ट, एनाटोमिस्ट और बायोलॉजिस्ट वो थे, फर्स्ट रैंक के वहाँ पे उस टाइम वो माने जाते थे, जो कि उन्होंने बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस बहुत कलेक्ट किए और उन्होंने फिजियोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स थी, फंक्शंस की जो प्रॉब्लम थी उनको वो सॉल्व करते थे। इनके साथ इनकी जो फ्रेंडशिप हो गई वो हंटर की डेथ के साथ ही ख़त्म हुई। पूरे उनकी लाइफ में 1793 में हंटर महोदय की डेथ हो गई, जो एक डॉक्टर थे जिनसे इन्होंने सीखा, तब तक ये उनके साथ रहे। और उन्हीं की वजह से, मेनली उन्हीं की वजह से इनमें जो डेवलपमेंट हुआ, जो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना, डिसिप्लिन्ड पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, शार्पनिंग ऑफ क्रिटिकल फैकल्टीज और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, इसमें इन्होंने महारत हासिल की। और जैसे कि हंटर इनको कहते थे, एडवाइस करते थे कि सिर्फ सोचना ही क्यों, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करें, व्हाई थिंक, व्हाई नॉट ट्राई द एक्सपेरिमेंट, सोचना ही क्यों, प्रयोग करके अपन को प्रूव कर।
करना चाहिए, प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन्होंने उनकी जो ट्रेनिंग थी वो इनके बहुत काम आई, और उन्हीं की ट्रेनिंग से इन्होंने जो जेनर हैं उन्होंने क्लिनिकल सर्जरी में बहुत प्रोग्रेस की। 70 से 73 तक इन्होंने लंदन में पढ़ाई करी और फिर वापस ब्रेक ले आ गए लंदन से, और ये बहुत कैपेबल, स्किलफुल और पॉपुलर हो चुके थे क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा नॉलेज किया था। इन्होंने लाइट वर्स नाम की एक बुक भी लिखी लाइट वर्स नाम से, और इसके अलावा इन्होंने मेडिकल के अलावा इन्होंने और भी जो इनके पर्सनल इंटरेस्ट थे, जैसे इन्होंने जो नेस्टिंग हैबिट, कुकू जो कोयल एक बर्ड होता है उसकी नेस्टिंग हैबिट, और बर्ड माइग्रेशन पे भी इन्होंने बहुत काम किया, और इन्होंने स्पेसिमेंस कलेक्ट किए हंटर के लिए, और इन्होंने अपना जो भी जैसे ही हंटर इनको निर्देश देते थे वैसे काम करते थे, वो लेटर लिखते थे उसके उसको फॉलो करके ये काम किया करते थे। और 1788 में इन्होंने शादी की, और उसके बाद ये वर्ल्ड फेमस हो गए। मेनली जो इनके फेमस होने का कारण था वो था वैक्सीनेशन की खोज जो इन्होंने की, जिसके लिए इन्होंने इनको 1802 और 1806 में जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा भी इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, इनाम दिया गया। और लेकिन इनका इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि उन्हें इनाम दिया जाए, वो सिर्फ काम करने में विश्वास रखते थे। और 1815 में इनकी वाइफ ट्यूबरकुलोसिस से उनकी डेथ हो गई, तो इनकी पब्लिक लाइफ लगभग ख़त्म हो गई, और ये खुद फिर 26 जनवरी को ब्रेकले में इनका भी निधन हो गया। अब अपन देखते हैं इनका जो मेन वर्क है माइक्रोबायोलॉजी को, जो इन्होंने सहयोग दिया, योगदान दिया है, वो योगदान है इनका वर्क ऑन वैक्सीनेशन। तो ये एक फिजिशियन थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स को रोकने के लिए टीके की खोज की थी, और इन्होंने ये टीके की खोज की कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि इनके जो ग्वाले होते थे, गायों को जो रखते थे, उनमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो गायें थी उनमें, वहाँ पे जहाँ ये रहते थे ब्रेकले में ही, जो मिल्कमैन होते थे, गायें रखने वाले होते थे, उनके गायों में काउ पॉक्स हुआ हुआ था, जो एक बहुत माइल्डर डिजीज होती है और स्मॉल पॉक्स जैसा ही इसका वायरस होता है। तो जो ग्वाले होते थे उनमें, उन गायों में काउ पॉक्स होने की वजह से जब वो उनका दूध निकालते थे तो उनके कांटेक्ट में आने से उनके भी हाथों में जो फफोले जैसे हो जाते थे, वो जो काउ पॉक्स था उसके वायरस का इन्फेक्शन उनमें भी हो जाता था। इन्होंने देखा कि उनके हाथों में फफोले जैसे हुए हुए थे, और इनमें धीरे धीरे वो जो स्मॉल पॉक्स है इसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो गई। उन गायें जो रखते थे, ग्वाले जो थे और जो गायों का दूध बेचने का काम करते थे, उनमें स्मॉल पॉक्स के लिए जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो गई। इन्होंने 14 मई 1796 को ये प्रूव कर दिया कि ये जिनमें भी काउ पॉक्स लेशन पैदा हुए हैं वो स्मॉल पॉक्स के लिए प्रोटेक्ट हो चुके हैं, स्मॉल पॉक्स उनमें नहीं होता है। और 1798 में इन्होंने वो पब्लिश किया अपने काम को वैक्सीनेटर 23 वैक्सीनेटर्स पे, और इनको इन्होंने उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा। और ये वैक्सीनेशन जो वर्ड है ये आया वैका से, जो एक लेटिन वर्ड है वैका, जिसका मीनिंग होता है काऊ, क्योंकि उन्होंने काऊ पॉक्स से ही इंस्पायर होकर के उसको ऑब्जर्व करने के बाद ही इन्होंने वैक्सीनेशन की खोज की कि यदि माइल्डली किसी भी बीमारी के जो कोजिंग एजेंट हैं उनको एंटर करा दिया जाए किसी की बॉडी में बहुत कम डोज के रूप में, तो उसको वो बीमारी के बहुत कम लक्षण आते हैं, लेकिन वो उस बीमारी के लिए इम्यून हो जाता, उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और वो उनका जो ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया इसको, जो काउ पॉक्स था इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया 18th century में। वो कैसे कि वहाँ पर जो स्मॉल पॉक्स है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था, जिसकी डेथ रेट बहुत हाई थी, और ये बीमारी जो है वो
ये नहीं देख रही थी कि किसको होनी है किसको नहीं, सोशल क्लास चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, सब लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और सब लोग मर रहे थे। लेकिन इन्होंने उस टाइम ये देखा कि जो जिनको काउपॉक्स जो गायें रखते थे, गायें रखने वाले जो लोग थे उनमें ये बीमारी नहीं हुई, वो उन लोगों के बीच में ही रह रहे थे जिनको जिनको स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, जिसको भी हो रहा था वो मर रहा था, उन लोगों की वो केयर कर रहे थे लेकिन उनके कुछ नहीं हो रहा था। इससे इन्होंने ये चीज़ प्रूव की कि इनको ये बीमारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनको पहले से काउपॉक्स का इन्फेक्शन हो चुका था, इसलिए ये इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं। और इससे ये चीज़ प्रूव हो गई। और इसके बाद इन्होंने जो ये काउ वैक्सीनेशन है इसकी खोज की। और इसकी अगर स्टोरी की अपन बात करें तो ये स्टोरी बहुत वही जब लगभग 18th century में लंदन में फैला हुआ था, ब्रैकले में जो काउपॉक्स फैला हुआ था बहुत बड़े स्तर पे, महामारी के रूप में फैल चुका था। तो इन्होंने May 1796 में जेनर ने पाया कि एक डेयरी मेड, एक जो डेयरी वाले डेयरी रखने वाली एक लेडी थी जो कि नाम सारा नेल्स था, वो उसके फ्रेश काउपॉक्स लेशन थे, उसके हाथ में काउपॉक्स के कारण फफोले हुए हुए थे। तो उन्होंने ये मई 1796 में देखा। इन्होंने 14 मई को ये जो मैटर था सारा के हाथों में जो फफोले हो रखे थे उसमें से मैटर निकाला और उसको एक 8 साल के बच्चे जेम्स फिफ्स में एंटर करा दिया, जिसको पहले स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ हुआ था। थोड़े टाइम में इन्होंने उसको जैसे एंटर कराया, फिर इसने उन्होंने देखा कि जो फिफ है जिस पे इन्होंने सारा के हाथ के फफोले वाला जो मैटर डाला, इंजेक्ट कराया, उसमें 9 दिन तक थोड़े लक्षण आए काउपॉक्स जैसे, स्मॉल पॉक्स जैसे, लेकिन वो 10वें दिन एकदम ठीक हो गया। इसके बाद इन्होंने 1 जुलाई को, ये बात थी 14 मई को, फिर 1 जुलाई को इन्होंने फिर से उस लड़के में वही जो मैटर था स्मॉल पॉक्स का मैटर था, स्मॉल पॉक्स का मैटर एंटर करा दिया। दूसरे टाइम इन्होंने स्मॉल पॉक्स का मैटर जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ था उसमें से निकाल के थोड़ा सा मैटर एंटर करा दिया, लेकिन उसमें बीमारी नहीं हुई फिफ में, क्योंकि वो कंप्लीटली प्रोटेक्ट हो चुका था। इस सारी प्रोसेस से 1798 में जेनर ने अपने काम को पब्लिश किया एक बुक के रूप में, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द वेरियोली वैक्सीन, इस नाम से, जिसमें इन्होंने अपने वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को इसमें लिखा और सब सारा डिस्क्राइब किया। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि इसको इनको ये पॉपुलर होने लग गए और वहाँ पर कुछ प्रैक्टिशनर डॉक्टर थे जॉर्ज पियर्सन और विलियम वुडविले, जो कि इनके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे थे क्योंकि इनके पॉपुलर होने से उनका जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो कम हो रही थी और उनका जो कार्य था, क्योंकि वो डॉक्टर थे फिजिशियन थे, उनकी प्रैक्टिस कम हो रही थी। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इन्होंने चाहे जो भी किया लेकिन इनके करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि उन्होंने जो वैक्सीनेशन की खोज की वो धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो चीज़ जो प्रोसीजर उन्होंने बताया वैक्सीनेशन का वो फैला, और ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा फैला, फिर यूरोप में, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में वो वैक्सीनेशन का प्रोसीजर फैला, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ उनके वैक्सीन तैयार होने लग गए। और इनके कार्य की जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस ऑफ जेनर्स वर्क है, उसको भी ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन सब जानते हैं कि आज जो मॉडर्न इम्यूनाइजेशन है इसकी जो नींव थी वो जेनर महोदय ने रखी वैक्सीनेशन के द्वारा। वैक्सीनेशन इन्होंने ईजाद किया और इसके बाद बहुत सारी डिजीज के जो मॉडर्न इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो बेस्ड ही इनके काम पे है, जैसे कि डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस, पोलियो, मिजल्स, इन सब के वैक्सीन हैं। और अभी जैसा कि अपन देख रहे हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई है और कोरोना का भी वैक्सीन बनाने में दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं और ये वही प्रोसीजर काम में ले रहे हैं जो कि एडवर्ड जेनर ने ईजाद किया था। इस तरह से आज का अपना ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।